बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हियर इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम आज देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट हमारी बॉडी किस तरह करती है और इसको फर्दर एब्जॉर्प्शन कौन से मेथड से किया जाता है। डाइजेशन का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर शॉर्ट करना, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि हमारी जीआईटी ट्रैक्स में से चीजों को उठाकर अब हमारे काम के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में लेना, और फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टारगेट एरिया तक ब्लड उसको खुद ट्रांसफर करेगा। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट्स खाना खाने से लेकर उस खाने का हमारे टिश्यूज, हमारे खून में पहुंचने तक की सारी कहानी आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। व्हाट इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज फाउंड इन प्लांट्स, हम कह सकते हैं सब्जियों में, गंदुम, रोटी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स प्रिंसिपली कंसिस्ट करती है किस पे? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हम इंटेक करते हैं, हम इंटेक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्दर हम इसको ब्रेक करते हैं इन अवर जीआईटी, इन हाफ पाथवे ऑफ अवर जीआईटी, इनटू डाइसेक्राइड्स, इन ओलिगोसेक्राइड्स, यानी कि लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कह सकते हैं कि जो हमें उलझनों के साथ हमें फाइबर्स मिला था, एक धागा जिसमें बहुत सारी गिठाने थी, हमने उसे तोड़ा, हमने उसे ब्रेक किया, हमने उसे अनआउट किया। अनआउट करने का मतलब है कि हमने उसको कम कॉम्प्लेक्स किया, हमने उसके गुच्छे खोले। तो अब जो वो कम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, कम गिठानों के साथ आ रहा है, वो हमारे पास है ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड। उसके बाद फर्दर हम उसको और ब्रेक कर दें, इतना ब्रेक कर दें कि उसकी नोट्स बिल्कुल खाली हो जाए, नोट्स खत्म हो जाए, हम नोट्स के जरिए उसको काट दें, उस धागे को, स्ट्रेट्स को, फाइबर्स को, तो फिर हमें क्या मिलेगा? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड इज अ फाइनल 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 पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, मोनोसेक्राइड को फर्दर डाइजेशन की जरूरत नहीं होती। ओके, आई रिसीव्ड कोड फ्रॉम मारिया, मधु, तहरीम एंड ज्योतिका। ओके गुड। सो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उन्हें तो पता होगा हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। सो पॉलीसेक्राइड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देन विद हाफ डाइजेशन इट्स कम इनटू द लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज डाइसेक्राइड्स, देन इट्स इन अ फाइनल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन इज मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड डजंट नीड मोर डाइजेशंस, मोनोसेक्राइड इज एबल टू एब्जॉर्ब डायरेक्टली। एग्री? इस पॉइंट को याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड डज नॉट नीड अ डाइजेशन। सो द नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ जी आई टी एंड विच हार्मोन्स, विच जूसेस, विच ग्लैंड्स हेल्प इन डाइजेशन? सो हियर इज अ पिक्चर विच डिस्क्राइब ऑल द जी आई टी पार्ट एंड देयर सेलिवरी ग्लैंड्स, जूसेस एंड देयर फंक्शंस। So here is in saliva, saliva produced by salivary glands. So the half digestion of food comes done into the mouth. Afterward is oesophagus. After oesophagus is stomach. Stomach is having a gastric juice, having a HCl, but doesn't contain any digestive enzyme. ठीक है, इस चीज से confuse मत होइएगा। Viva में finally आपसे ये सवाल किया जाएगा कि क्या डाइजेशन स्टमक में होती है? नहीं होती, स्टमक में डाइजेशन नहीं होती। स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इट्स अ फैक्ट। इसके बाद है बेटा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कंटेन अ इंटेस्टाइनल जूस, और आपको इतना पता है ड्यूडिनम के पार्ट के ऊपर डक्ट खुलती है, बाइल डक्ट, विच इज केम फ्रॉम गैल ब्लैडर। Bile formed in liver, store in gallbladder, come into duodenum and help in digestion of food. Good. So the liver containing a hepatic juice, pancreas containing a pancreatic juice,
In pancreatic juice, there is an important hormone is present is known as insulin, which helps in diabetes. In the absorption of glucose from the bloodstream to the tissues. If the glucose present into the blood, which disease is caused? Diabetes mellitus, sugar ho jati hai un marizon ko. Theek hai? Intestine absorption karta hai. Uske baad aapka finally rectum and all. Students, have you get any point? Kuch samajh aaya aapko? Ya maine aise bol diya? So let me ask from Pawan. Ma'am. जी जी मधु ask. Ma'am, bile में भी enzymes नहीं होते ना? Bile में enzyme नहीं होते? Hepatic juice में enzyme होते हैं. Digestive enzymes. होते हैं hepatic juice में. Bile बहुत help करती है digestion. हमने तो special में पढ़ा था कि bile में होते ही नहीं digestion. बेटा gastric juice में सिर्फ नहीं होते digestive enzyme, बाकी आपको हर जगह मिलेंगे. इसको और कंफर्म करके बुक्स में से पढ़ के हम उसको और कंफर्म कर लेंगे. ठीक है. सो हेपेटिक जूस में है क्या? हेपेटिक जूस कंसिस्ट ऑन बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन एंड जूसेस बताएं. हेपेटिक जूस बताएं. एथ्रुबा. व्हाट इज मीन बाय हेपेटिक जूस? Which substance containing this? Atruba, are you listening? Okay, leave. So I'm going to ask from Janta. Jan. जी पूछे. मैम फिर स्टमक में फिर वो जो पेप्सिन होता है फिर वो तो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना? स्टमक में जो पेप्सिन होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन क्या वो स्टमक के अंदर एक्ट करता है? मैम पर गैस्ट्रिक जूस तो गैस्ट्रिक जूस में है ना, तो वो डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है पेप्सिन. बाकी बाइल में तो होता ही नहीं कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम. बेटा गैस्ट्रिक जूस में भी नहीं होता. बेटा पेप्सिन क्या है? पेप्सिन इज एन एंजाइम. यस मैम. पेप्सिन एंजाइम है? जी मैम. प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है वो पेप्सिनोजेन से. पेप्सिन फिर वो सारी. तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम. बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं या लिपिड्स पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. एग्जैक्टली. कार्बोहाइड्रेट स्टमक में बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता. नहीं मैम, वो आपने अभी कहा ना डाइजेस्टिव एंजाइम, तो हम उसका कंफर्म कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम आपने कहा गैस्ट्रिक जूस में होता ही नहीं है, बट हमने तो पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कोई भी एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते. आप लीवर का भी कहीं उसे लीवर का भी आप न्यूट्रल और ओवरऑल तो नहीं ले रहे. लीवर में भी कार्बोहाइड्रेट्स के हेपेटिक जूस में, हेपेटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो होते हैं हेपेटिक जूस में. गैस्ट्रिक जूस में नहीं होते कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट ये फैक्ट है बेटा, ये मिथ नहीं है. हम इसे और डिटेल फर्दर जो है वो हम करेंगे, इस पे पूरी डिस्कशन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, हम फिर से GIT ट्रैक फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. ठीक, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है. पेप्सिन Not used for carbohydrate digestion. Pepsin, even pepsin क्या है? बेटा वो juice का एक part है, वो enzyme नहीं है. जहां enzyme होगा वो होगा maltase, isomaltase, pepsinase, maltase, lactase, galactase. ये होते हैं enzymes. Pepsin is not an enzyme. बेटा वो juice है, chemical है, hormone है, act करता है. Agreed. आगे बढ़े. जी मैम. So I want to ask from Janta.
जनता से मैं पूछना चाह रही थी, जनता पैंक्रियाटिक जूस जो है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ हमारे जीआईटी के किस पार्ट में खुलता है? पैंक्रियाटिक डक्ट जीआईटी के किस पार्ट में जाकर खुलती है जहां पैंक्रियाटिक जूस एक्ट करता है? जी पवन क्या बोल रहे हैं आप? मैम ड्यूडेनम में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में खुलता है। ठीक है गुड। बाइल के लिए गैलब्लैडर डक्ट कहाँ खुलती है? महक जी मैम, जी मैम, मैम पैंक्रियाटिक हेपेटिक जूस के लिए गैलब्लैडर से आने वाली डक्ट कहाँ ओपन होती है जीआईटी में? मैम शायद स्टमक में ही होती है। ड्यूडेनम में है सारी ओपनिंग्स। एग्जैक्टली, स्टमक में कोई ओपनिंग नहीं है बेटा। चलिए हम देखते हैं माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर क्या क्या हो रहा है हमारे फूड के साथ। सो डाइट्री कार्बोहाइड्रेट जो हमने ले लिए उसको माउथ में एक्ट करेगा सिलेवरी अल्फा अमाइलेज और वो उसको फर्दर कॉम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़कर लेकर जाएगा पॉलीसेक्राइड, डेक्सट्रीन, सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के अंदर। इनमें से जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे लेकिन जो डाइसेक्राइड है उन्हें एक स्टेप और चाहिए होगा, लेकिन जो पॉलीसेक्राइड्स हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें दो स्टेप्स और चाहिए होंगे। ऐसे ही है, एग्री? यानी सिलेवरी अल्फा अमाइलेज फूड के ऊपर एक्ट करके जो उसका रॉ जो प्रोडक्ट बनाएगा उस प्रोडक्ट के अंदर जो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे उनको डाइजेस्ट होने के लिए दो स्टेप्स नीडेड है, डाइसेक्राइड को डाइजेस्ट होने के लिए एक स्टेप नीडेड है और मोनोसेक्राइड्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, उनको कोई भी स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्टमक के अंदर नो डाइजेशन, खाली। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज यूज होता है, यही अल्फा अमाइलेज होता है लेकिन सलाइवा माउथ से निकलेगा तो सिलेवरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा पैंक्रियाटिक। क्यों पैंक्रियाटिक? पैंक्रियाटिक जूस कहां जाके खुल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल रहा है ना, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज और वो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को तोड़ के फर्दर बनाता है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। अब इन सारी सेक्राइड्स के अंदर, मोनोसेक्राइड्स के अंदर आपको फर्दर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हैं डायरेक्ट मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स डजंट नीड डाइजेशन, इट्स नीड्स अब्सॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होनी है और एब्जॉर्प्शन आपकी होगी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर। इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगेगी और मोनोसेक्राइड्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाइजेस्ट हो जाएंगे। ऐसा है, ये पिक्चर आपको समझ आई कंप्लीट? विदेश इस पिक्चर को जरा समराइज करें प्लीज हमारे साथ। जी मैम, इस पिक्चर को समराइज करें हमारे साथ बेटा। डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में आ गया, माउथ के बाद मैम डाइट्री कार्बोड माउथ स्लेवरी एंड अल्फा अमाइलेज में, फिर ये क्या नाम है पॉलीसेक्राइड, डेक्ट्रोज, सेक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, फिर स्टोमिक, फिर ये स्टोमिक जो ये स्लेव ये जो खुलते हैं स्टोमिक में, फिर पैरेंक्रियाटिक अमाइलेज ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता, उसमें ये आ जाती है मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज, और ग्लूकोटोज और फ्रक्टोज। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंटेस्टाइनल लाइनिंग में आ जाता है, उसमें मोनोसेक्राइड एंड ब्लड
बिल्कुल ठीक, दैट्स वेरी गुड, ठीक हो गया, आगे चले। मधु आपको समझ आया? मधु आप अभी तक वहां पे कंफ्यूज तो नहीं है? मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं तो आप अभी भी एक चीज बस देखें, और वो ये कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इनटू स्टमक, ठीक है? इस चीज को आप ना गूगल पे इसका कोई आर्टिकल पढ़ लो, या गूगल पे अभी सर्च करो, आप सब बैक जाओ, गूगल पे अभी सर्च करो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इनटू स्टमक, तो वहां क्लियरली लिखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट डज नॉट डाइजेस्ट इनटू द स्टमक, सिर्फ छोटे छोटे पीसीज में कटता है, वो इसलिए कि हमारे स्टमक के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यानी चक्की चलती है, और वो चक्की क्या करती है, वो जो चक्की चल रही होती है, मशीन चल रही होती है, वो बड़े बड़े पीसीस को यानी कि पूरे हमारे निवाले को और ज्यादा छोटे छोटे पीसीस में काट काट कर उसको बॉलस बना देती है, लेकिन डाइजेशन नहीं करती। डाइजेशन का मतलब है बेटा कि इस कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेक्राइड से तोड़कर डाइसेक्राइड में करना, डाइसेक्राइड से तोड़कर मोनोसेक्राइड में करना, ठीक है? आप मेरी बात आप समझ रही हैं? जी बिल्कुल। लड़की इसको और ज्यादा पढ़ो, ठीक है? अगर नहीं समझ आया तो फिर पूछो। अभी मेरे सामने मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का, अभी सर्च करें जल्दी से और फिर देखें इसको, ठीक है? और रही बात कि बिल्कुल मधु ऐसा ही है, और जो पेप्सिन की बात आप लोग कर रहे हो ना, वो भी आई नो वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही होता है, और गैस्ट्रिक जूस तो आपको पता है कौन बनाता है, स्टमक की अपनी वॉल बनाती है, अपनी वॉल, स्टमक की अपनी खुद की वॉल के जो सेल्स हैं वो गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, वो पेप्सिन बनाते हैं, और पेप्सिन के अंदर पेप्सिनो जी। अगर हम ये कह सकते हैं ना कि गैस्ट्रिक जूस में कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम नहीं, अगर हम इस तरह कहें कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, तो फिर ये तो गलत होगा ना शायद। हाँ ये तो गलत है, हम सिर्फ ऐसा कह सकते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट के गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है आप ऐसे कह ली, आप ऐसे कह सकते हैं, नॉट एन इश्यू। मैंने ये कहा बिल्कुल, मैं कार्बोहाइड्रेट्स की ही उसके लेवल पे, कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल पे ही सोच रही हूँ, क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको क्लियर बातें ये बता रही हूँ। और वो ये कि स्टमक पे कोई अगर ऐसे वाइवा में कर लेता ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टमक में कितने परसेंट होती है, तो होती नहीं है, 1% भी नहीं होती। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से कहा कि हमारे स्टमक में इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक? चलें आगे बढ़ते हैं। और जो पेप्सिन की बात करती, पेप्सिन पेप्सिनो जिन की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, फिर वो किसी के आने से एक्टिव हो जाता है, उसका जिन निकल जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर वो एक्ट करता है किसके ऊपर, प्रोटीन के ऊपर, और उसको फर्दर तोड़ता है अमीनो एसिड्स में। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी मीटिंग में एक रिक्वेस्ट आई थी इंटर होने की, और उनका नाम पता है कितना प्यारा था, हलीमा सुल्तान आई थी अभी हमारी वेटिंग रूम में। सो हियर इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसका अगर ओवरव्यू देखा जाए तो माउथ क्या करता है बेटा, माउथ सलेवरी सलाइवा के अंदर सलेवरी अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम देता है, जो कि फर्दर उसको तोड़ के डाइजेस्ट करता है। स्टमक में नो एंजाइम, अब मैंने लिखा हुआ है स्टमक में नो एंजाइम, तो आप लोग कहोगे पेप्सिनोजिन तो होता है, लेकिन बेटा मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से लिखा है ना। पेंक्रियाज में है पेंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज, इंटेस्टाइन में है डेक्स्ट्रिनेज, मेल्टेज, आइसोमेल्टेज, सक्रेज, लैक्टेज, जिसके आगे ASE है वो एंजाइम है, जिसके आगे ASE नहीं है वो एंजाइम नहीं है। तो पेप्सिन सेल्स प्रोड्यूस करता है, वो केमिकल है पेप्सिन, पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम्स, पेप्सिनेजेस वो होंगे आपके एंजाइम्स, ठीक है? ASE जहां लगे वो एंजाइम्स होते हैं।
Digestion in mouth. Digestion of carbohydrates start at the mouth. In mouth, food undergo mastications. Mastication का process कौन सा process है? पवन, mastication की meaning क्या है? मैम, mastication में जो है वो food bolus बन जाता है. हाँ, खाने को चबाना. Yes, ma'am. हेल्प अस लेगा जी. मैं वही मास्टिकेशन वो थी ना, जब मैं स्लीवा के साथ वो खाने को चबा रहे होते हैं, खाने को छोटे छोटे फूड जो है वो स्लाइवास में मिक्स हो रहा होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं मींस च्यूइंग करना. च्यूइंग करना ड्यूरिंग मास्टिकेशन. फूड कम्स इन कांटेक्ट विद द स्लाइवा. खाने को स्लाइवा में मिक्स करना. ठीक है. स्लाइवा क्या कंटेन करता है उस वक्त? सलेवरी अल्फा अमाइलेज. और इसका एक्शन क्या है? इसका ये है कि बेटा ये क्लोरीन के आयंस को यूज करता है, एक्टिव हो जाता है. एक्टिव होने के बाद अंडर द पीएच ऑफ 6.7 ये एक्ट करता है. ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इसकी पिक्चर देखो, आपको समझ आ जाए. ये इसकी पिक्चर है. The enzyme hydrolyzes alpha 1,4 glycosidic bond at random deep inside polysaccharides. Yani ek baat to samajh aa gayi ki salivary amylase ka action jo hai wo kiske upar hai? Polysaccharides pe, yani starch pe, glycogens pe. Starch aur glycogens ko wo further tod ke banata hai dextrin, maltase, maltotriose aur glucose. Theek, ye sab kya hai? डेक्सट्रिन, माल्टोज, माल्टोट्रायोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है? ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड है, बाकी ये सब ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स हैं. ये है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल जिसको अल्फा अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट किया और उसने इसके अंदर से फर्दर पता है कितनी चीजें निकाली. डेक्सट्रिन निकाला जो कि ओलिगोसैकेराइड्स है, माल्टोट्रायोज और माल्टोज निकाला, आइसो माल्टोज निकाला, ये सब के सब डाइसैकेराइड्स है. यानी अल्फा अमाइलेज इसके ऊपर एक्ट करेगा और ग्लाइकोजन को मॉलिक्यूल को फर्दर चार मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा. ये हो जाएगी बेटा इसकी माउथ की डाइजेशन. अब स्टमक की डाइजेशन क्या है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेम्परली स्टॉप इन द स्टमक. स्टमक में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को वो रोक देता है. क्यों? उसमें हार्मोन्स नहीं है ना बेटा. वो उसको जब आगे भेजेगा फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी. डाइजेशन ऑफ सेलेरी एमाइलेज स्टॉप इन स्टमक बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी ऑफ स्टमक. ऐसा ही है. स्टमक की एसिडिटी हाई होती है. डाइजेशन ऑफ सेलेरी एमाइलेज स्टॉप्स इन स्टमक बिकॉज ऑफ हाई एसिडिटी ऑफ स्टमक. ठीक है. नो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स अवेलेबल इन गैस्ट्रिक जूस. No carbohydrates splitting enzymes available in gastric juice. Gastric juice के अंदर carbohydrates को तोड़ने के enzyme मौजूद नहीं होते. तोड़ने का मतलब ही बेटा digestion है. तोड़ने का मतलब देखो, polysaccharide को तोड़कर oligosaccharide में लाना, polysaccharide को तोड़कर disaccharide में लाना, इसका मतलब ही तो digestion है. और further disaccharide को तोड़कर monosaccharides में लाना, इसी का नाम तो digestion है. तो digestion अगर stomach में नहीं हो रही, मतलब carbohydrates में further ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो स्टमक में ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्प्लिट करें, तोड़ें. अब उसके बाद डाइजेशन होगी इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन में बहुत डाइजेशन होती है. कैसे? फर्दर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर बेटा एक चीज शामिल हो गई और उसे कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस. तो पैंक्रियाटिक जूस उसमें शामिल हो गया. फूड का जो बॉलस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा है स्टमक में से, उससे वहां पे मिलेगा पैंक्रियाटिक जूस. पैंक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज. जैसे वो सलेवरी अमाइलेज था, यहाँ पैंक्रियाटिक अमाइलेज है बेटा. वो था सलेवरी अमाइलेज, ठीक है, और ये है पैंक्रियाटिक अमाइलेज. देयर आर टू फेजेस ऑफ इंटेस्टाइनल डाइजेशन. Digestion due to pancreatic amylase and digestion due to intestinal brush border enzyme. देखो, intestine के अंदर
डाइजेस्ट करने की दो स्टेजेस होती हैं, दो तरीकों से वो डाइजेस्ट होता है, एक पेंक्रियाटिक अमाइलेज से डाइजेस्ट होता है और दूसरा इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम से होता है। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या है बेटा? इंटेस्टाइनल की जो लाइनिंग है ना वो सीलिया की तरह अंदर बड़ी हुई है, यानी वो अंदर से स्मूथ नहीं है, वो अंदर से ब्रेक हुई हुई टूटी टूटी बड़ी बड़ी उखड़ी उखड़ी सल्कस गायरस की तरह बनी हुई है। सल्कस गायरस देखिए कॉर्टेक्स के, कभी उस तरह की वो लाइनिंग बनी हुई है, उसका बॉर्डर स्मूथ नहीं है। तो उसके बॉर्डर के ऊपर एंजाइम पड़े हुए होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम, क्योंकि बॉर्डर की शक्ल ब्रश जैसी है। जैसे हेयर ब्रश देख लो, कंघा देखो, कंघे में भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लाइनिंग हुई होती है ना, इस तरह इंटेस्टाइन की भी होती है। इंटेस्टाइन की उस लाइनिंग के ऊपर पड़े हुए एंजाइम्स को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। तो अब हमारी इंटेस्टाइन में डाइजेशन दो तरीकों से होती है, एक पेंक्रियाटिक एमाइलेज से और दूसरी इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम से। हम इसको फर्दर खोल के पढ़ते हैं। एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक एमाइलेज क्या होगा कि वो हाइड्रोलाइज करेगा किसको? डेक्सट्रिन को, और मिक्सचर बनाएगा माल्टोज आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन का। बेटा ये था वो डेक्सट्रिन ना, ये वो डेक्सट्रिन है जो ओलिगो से बना। किसने बनाया था ये बनाया था सेलेवरी एमाइलेज ने। सविता हमारा ये वाला डेक्सट्रिन किसने बनाया था? ओलिगोसैकेराइड वाला डेक्सट्रिन सेलेवरी एमाइलेज किसने बनाया था बेटा? सेलेवरी अमाइलेज ने बनाया था। कहाँ बनाया था ज्योतिका कुमारी? कहाँ बना था ये डेक्सट्रिन? माउथ में बना था। ठीक हो गया, जबरदस्त। अब वाला जो डेक्सट्रिन है उसको तोड़कर वो बना रहे हैं माल्टोज माल्टोट्रायोज माल्टोज आइसोमाल्टोज। तो ये कहाँ बन रहे हैं? पैनक्रियास। कहाँ बन इंटेस्टाइन? ये इंटेस्टाइन में बन रहे हैं, जबरदस्त। ये बना कौन रहा है मधु? ये कौन बना रहा है? मधु कौन सा एंजाइम बना रहा है? अल्फा अमाइलेज। कौन से वाला? सेलेवरी या पेंक्रियाटिक? पेंक्रियाटिक। दैट्स गुड। अब ये है एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम। बड़े मजे के एंजाइम्स हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। बेटा ये वो एंजाइम्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनल डाइजेशन के, कार्बोहाइड्रेट्स की फाइनल डाइजेशन ये वाले एंजाइम्स करवाते हैं। ये क्या करते हैं? ये ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड इनको तोड़ तोड़ कर मोनोसैकेराइड में चेंज कर देते हैं, और मोनोसैकेराइड इज अ फाइनल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसा ही है ना, मोनोसैकेराइड इज अ फाइनल डाइजेस्टिव फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इन एंजाइम्स के रिएक्शन नीचे लिखे हुए हैं। जैसे माल्टोज के ऊपर लगेगा माल्टेज, और माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में। आइसोमाल्टोज के ऊपर लगेगा आइसोमाल्टेज और प्रोडक्ट बनाएगा ग्लूकोज ग्लूकोज। सक्रोज के ऊपर लगेगा सक्रेज और प्रोडक्ट बनाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज। लैक्टेज के ऊपर लगेगा लैक्टेज और ये बनाएगा लैक्टोज है बेटा ये, सॉरी लैक्टेज नहीं है, ए नहीं है, ओ है ये। लैक्टोज के ऊपर लगेगा लैक्टेज, ग्लूकोज ग्लक्टोज, दो प्रोडक्ट हैं इसके। लिमिट डेक्सट्रिन के ऊपर लगेगा डेक्सट्रिनेज और इसके दो प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज माल्टोज माल्टोट्रायोज, तीन प्रोडक्ट हैं इसके। एक और बात, ये सब जो इस तरफ वाले प्रोडक्ट हैं ये फाइनल प्रोडक्ट हैं, इनको फर्दर डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, इनको सिर्फ ऑब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, फ्रक्टोज ग्लूकोज ग्लैक्टोज माल्टोज इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब मोनोसैकेराइड्स हैं। आपको अब तक ये बात समझ आएगी? यहाँ पे हमारी डाइजेशन खत्म हो जाती है। तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट हुई माउथ से
और फाइनल किसने किए? इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स ने. ठीक है, अब इसको रिपीट पूरे को कौन करेगा? निम्रा और महिरा. निम्रा और महिरा चले दोनों शुरू हो जाए. मैम सिर्फ इस चार्ट को करना है. हाँ, डाइजेशन कंप्लीट हो गई ना हमारी, तो डाइजेशन बताएं कैसी हुई? मैम डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हुई और फाइनल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई. अब जो ये माइटोज है इसे इस पे जो है एंजाइम लगेगा माल्टेज, और ये जो है वो इसे ग्लूकोज और ग्लूकोज में मतलब प्रोडक्ट देगा फाइनल. फाइनल हाँ चलो ठीक है, एक मिनट है मीटिंग खत्म होने में, उसके बाद आप लोग सब इसी लिंक से दोबारा मीटिंग को रिज्वाइन करेंगे. Okay. और फिर हम जो है ना महिरा और निम्रा से फिर से सवाल करेंगे. महिरा इस तरह नहीं बताना, आपने इस तरह बताना है कि माउथ में लगा सिलेवरी एमाइलेज, उसने उसको तोड़ा ओलिगो में और डाइसेक्राइड्स में, और वहां स्टमक से वो गुजर कर आ गया, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वहां लगा उसको पंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज और उसने उसको फर्दर तोड़ के डाइजेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद आ गए इंटेस्टाइनल ब्रश पाउडर एंजाइम्स जो कि इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट है, और उन्होंने फिर इस तरह एक्ट किया. ऐसे बताना है. ठीक है चलें, अब नेक्स्ट मीटिंग में